हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु स्टेट के चिदंबरम शहर में, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने तिल्लई नटराजन टेम्पल के लिए। आज मैं आपको तिल्लई नटराजन टेम्पल के दर्शन कराने वाला हूँ। तिल्लई नटराजन टेम्पल हमारे भारत के सभी मंदिरों से बहुत अलग मंदिर है। ये आस्था के साथ साथ में विज्ञान का भी प्रतीक है। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है, चिदंबरम में स्थापित भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है वो एटॉमिक पावर, ब्लैक होल्स और एंटीमैटर्स को दर्शाती है, यानी पूरे ब्रह्मांड का रहस्य नटराज की मूर्ति में है। चिदंबरम का जो नटराज टेम्पल है वो प्रकृति के पंच तत्वों में आकाश तत्व को दर्शाता है। यहाँ मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना की गई है वो आकाश तत्व के आधार पर की गई है। और तिल्लई नटराजन टेम्पल भारत का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ के प्रमुख देवता भगवान शिव के साथ विष्णु भी है। यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं तिल्लई नटराजन टेम्पल के। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे रहस्य और उसके साथ साथ आप मंदिर में कैसे आ सकते हैं, मंदिर में पूजा करने की क्या विधि है, मंदिर में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको काफ़ी डिटेल में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, आज हम करते हैं चिदम्बरम के तिल्लई नटराजन टेम्पल का दर्शन। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ चिदंबरम रेलवे स्टेशन के बाहर। नटराजन टेम्पल के नज़दीकी जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो ये चिदंबरम रेलवे स्टेशन ही है। जस्ट मेरे पीछे यहाँ पर ये स्टेशन है और आपको नटराज टेम्पल जाने के लिए यहीं चिदंबरम रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। स्टेशन काफ़ी छोटा है लेकिन देश के सभी स्टेट से यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन आती है। अगर आपके शहर से चिदंबरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो यहीं पास में विल्लुपुरम जंक्शन करके एक स्टेशन है जो यहाँ से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप अपने शहर से विल्लुपुरम तक आ सकते हैं। विल्लुपुरम के से फिर आप यहां चिदंबरम में पैसेंजर ट्रेन दिन भर चलती रहती है या फिर आप बस लेकर भी यहां चिदंबरम में पहुंच सकते हैं। ये चिदंबरम रेलवे स्टेशन है और यहां से हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड भी मैं आपको दिखा देता हूं। और वहां से फिर आगे जाने पर आपको होटल्स, बस स्टैंड के पास आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां पर स्टे कर रहा हूं और वहां से फिर हम टेम्पल पर जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है ये चिदंबरम का मेन बस स्टैंड है। अगर आप तमिलनाडु के किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं, तंजावूर से, त्रिची से, पौंडीचेरी से या चेन्नई से, तो बसेस आपको यहाँ तक लेकर आएंगी। और यहाँ से जो मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स है, सिर्फ आधे किलोमीटर पे मंदिर है। और जो रेलवे स्टेशन है वो 1 किलोमीटर है। तो अगर आप बाय बस से आ रहे हैं तो आप चिदंबरम के बस स्टैंड पे आ सकते हैं और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप तमिलनाडु के किसी और सिटीज़ में या किसी और प्लेसेस को देखने जाना चाहते हैं तो वो भी बस आपको यहीं से मिलेगी। और ये बस मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ वो मेरा होटल भी यहाँ से लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो बहुत छोटे से एरिया में आपको कोई स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और मंदिर सब मिल जाएंगे। तो ये अभी मैं आपको बस स्टैंड दिखा देता हूँ, इसके बाद को बताता हूँ कि मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम मंदिर में जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ चिदंबरम में रहने की बात करें तो आपको नटराज टेम्पल के बाहर बहुत सारे होटल्स, लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाउस और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत रिजनेबल रेट में 500 रुपीज़ से होटल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर 3-4 स्टार होटल तक भी चिदंबरम में अवेलेबल है। मैं यहाँ चिदंबरम में जहाँ स्टे कर रहा हूँ ये बिल्कुल नटराज टेम्पल के पास मार्केट में ही है, जिसका नाम है आरके रेसिडेंसी। और यहाँ पर जो टैरिफ है ये 900 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और 3000 तक के यहाँ पर अलग अलग रूम है। और मेरे साथ यहाँ पर साजा साहब है जो यहाँ के मैनेजर है, तो ये भी आपको कुछ इस होटल के बारे में बताएंगे। सर नमस्ते सर, इधर मैं आरके रेसिडेंसी में नटराजन टेम्पल से बहुत नज़दीक है, 5 मिनट का वॉक है, वॉकेबल डिस्टेंस है। इधर में कार पार्किंग सब अवेलेबल है, तो मैं एक बार विजिट करें चिदंबरम को, आरके रेसिडेंसी में रेफर करो। तो जैसे आप स्टेशन से मंदिर के लिए आएंगे तो मेन रोड पे ही मंदिर से थोड़े पहले ये आरके रेसिडेंसी होटल है, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रुका और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको यहाँ के रूम्स दिखा देता हूँ, रूम कैसे हैं, इसके बाद फिर हम मंदिर में चलते हैं। तो दोस्तों, ये है होटल और अभी मैं होटल से निकल रहा हूँ। यहाँ से जो टेम्पल है वो थोड़े दूर पर ही है, तो हम वॉक करके ही यहाँ से टेम्पल पर जाएंगे। काफ़ी ठीक है, अभी यहाँ से ये मेन मार्केट में ही है और ये यहाँ से सीधा रास्ता जाता है जो सीधा टेंपल के लिए जाता है। और ये हमारा आरके रेसिडेंसी होटल।
दोस्तों होटल से जैसे आप चल के 2 या 5 मिनट आगे आएंगे तो आपको पहले बाहर मेन रोड पे ही एक गेट दिखेगा और उस गेट से फिर आप ये अंदर गली में आएंगे तो सामने ही आपको नटराज टेंपल मिलेगा। नटराज टेंपल काफ़ी बड़ा टेंपल है, 40 एकड़ में फैला हुआ ये टेंपल है और टेंपल के चारों ओर बाउंड्री की गई है। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो पहले आपको ये छोटा गेट दिखेगा, ये बाउंड्री है टेंपल की और ये चारों तरफ है। ये जो जगह है, ये जो गेट है, ये यहाँ का साउथ गेट है। इसके अंदर फिर हम जाते हैं तो हमें जो मेन गोपुरम टेंपल का मेन गोपुरम है वो दिखाई देता है। तो अभी मैं टेंपल के अंदर एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ, जो मंदिर का जो पहला घेरा है मैं उस घेरे में हूँ। मंदिर में एंट्री करने के 4 गोपुरम हैं, चारों दिशा में एक एक गोपुरम बने हैं। हम जो हैं वो दक्षिण का जो साउथ गोपुरम है हम वहाँ से एंट्री कर रहे हैं। जैसे आप गेट से अंदर एंटर करेंगे तो पहले देखिए आपको यहाँ पर ये एक भोजनालय बनाया गया है मंदिर के तरफ से। जो लोग हैं यहाँ पर उनको खाना खिलाया जाता है। अगर आप भी यहाँ मंदिर में आए, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना डोनेशन दे सकते हैं। और इसके सामने ही मंदिर का 7 मंजिला जो गोपुरम है वो आता है। भगवान नटराज जो है वो नृत्य के स्वामी है और आप जब यहाँ मंदिर के गोपुरम में देखेंगे तो आपको सारी मूर्तियाँ नृत्य करते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पर नृत्य शास्त्र के आधार पर मूर्तियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। काफ़ी खूबसूरत ये मूर्तियाँ यहाँ पर गोपुरम पे बनाई गई है। तो अभी मैं ये पहले घेरे से, जो मंदिर का पहला घेरा, उसको क्रॉस करके अब मैं दूसरे घेरे में जा रहा हूँ जो काफ़ी बड़ा घेरा, और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे घेरे में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। ये मंदिर का जो है मुख्य गोपुरम है दक्षिण दिशा। साई गरी एंड, अच्छा साई गरी एंड सी गरी। अभी मैं मंदिर के साउथ गोपुरम से एंटर करके अंदर मंदिर के दूसरे घेरे में आ गया हूँ। दूसरा घेरा काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा घेरा ये। और वहाँ पर भगवान गणेश का मंदिर है। तो ये दूसरे घेरे में जो प्रमुख जो देवता है यहाँ पर वो भगवान गणेश है। और यहीं पर पास में यहाँ पर नंदी जी हैं, जो नंदी जी जो है वो नटराज स्वामी की तरफ फेस करके है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर नंदी जी है जो एक मंडप के अंदर है और उनका जो फेस है वो आगे मंदिर के तरफ है। वो जो आप सोने का एक छत देख रहे हैं वो अंदर मंदिर का है। तो कुल ऐसे 5 घेरे हैं। अभी हम दूसरे घेरे के अंदर आए, मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ दूसरे घेरे के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी। पहले ये गणपति जी का मंदिर है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर वेस्ट गोपुरम की तरफ जाएंगे। अभी मैं साउथ गोपुरम से ये इस तरफ आया हूँ। ये यहाँ मंदिर का वेस्ट गोपुरम है, मैं आपको ये गोपुरम दिखा देता हूँ। ये मंदिर का वेस्ट गोपुरम है और यहाँ पर भी मंदिर है। और वेस्ट गोपुरम के बाहर से भी आप मंदिर में एंटर कर सकते हैं। देखिए ये मंदिर में एंटर करने का रास्ता, लेकिन हम यहाँ वेस्ट गेट से नहीं, हम आगे जा रहे हैं नॉर्थ गेट की तरफ और हम नॉर्थ गेट से एंटर करेंगे। नॉर्थ गेट के पास में ही शिवगंगा जो सरोवर है, जिसे पुष्पकर्णी सरोवर भी कहते हैं, वो पुष्पकर्णी सरोवर और माता पार्वती के मंदिर और सुब्रमण्यम के मंदिर है। मैं आपको वो सरोवर और वो माता पार्वती के मंदिर और जो सुब्रमण्यम टेम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। दर्शन करके जब आप यहाँ आएंगे तो ये सरोवर है और सरोवर के सामने ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। काफ़ी बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है इसके अंदर। और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये जो है मंदिर गोपुरम है और गोपुरम के सामने यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का प्राचीन मंदिर है। और ये सरोवर के पास ही आप ये देख रहे हैं, ये सहस्त्र स्तंभ मंडप है जो साल में कभी कभी खोला जाता है, साल में 1-2 बार खोला जाता है। और ये जो मंडप है ये बिल्कुल जो नॉर्थ गेट है मंदिर का, जो नॉर्थ गोपुरम है उसके पास है। और अभी हम यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के जो नॉर्थ गोपुरम है, मैं नॉर्थ गोपुरम के पास आ गया हूँ। और मंदिर में जो एंट्री करना है, जो मंदिर के जो आपके तीसरे घेरे में जाना है, उसके लिए ये जो नॉर्थ गोपुरम के पास में इसे ही मेन एंट्रेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से ये रास्ता है और यहाँ से आप मंदिर में एंटर करेंगे।
ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का तीसरा घेरा है, यहाँ तक आप मोबाइल्स और कैमरास लेके आ सकते हैं। इसके आगे जो मेन मंदिर है, जो चौथा और पांचवा घेरा है, वहाँ पर कैमरा और मोबाइल्स लेकर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। जब आप नटराज स्वामी के दर्शन करने आएंगे तो आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, जब जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा गलियारा मिलेगा, तो जैसे आप उस गलियारे में जाएंगे तो आपको 108 शिवलिंग मिलेंगे। ये 108 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और उन 108 शिवलिंग के पास में ही एक मंदिर है जिसे आदि मुंदलार मंदिर कहते हैं। ये वो मंदिर है जिसके अंदर स्थापित जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा ऋषि पतंजलि ने की थी और उसे ही यहाँ का वास्तविक आकाशलिंग माना जाता है। उसके बाद जब आप चौथे गलियारा में जाएंगे तो आपको वहाँ पर तीन प्रमुख मंदिर मिलेंगे। पहला जो मंदिर है वो माँ लक्ष्मी का मंदिर है। माँ लक्ष्मी का मंदिर भी यहाँ मंदिर के अंदर प्रमुख मंदिर है। उसके पास में ही भगवान विष्णु का गोविंदराज टेंपल है, तो भगवान विष्णु का गोविंदराज मंदिर बिल्कुल महालक्ष्मी मंदिर के पास में है और उसके सामने ही, विष्णु भगवान के बिल्कुल सामने ही नटराज स्वामी का मंदिर है। तो आप जब जाएंगे तो आप ये याद रखिए कि आपको पहले आदि मुंदलार मंदिर के दर्शन करने हैं, 108 शिवलिंग के दर्शन करने हैं, उसके बाद लक्ष्मी माँ के दर्शन करने हैं, उसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं और उनके सामने ही नटराज जी की जो मूर्ति है वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये है चिदंबरम का मशहूर नटराज टेंपल। काफ़ी बड़ा टेंपल है ये और इस टेंपल को आपको पूरा देखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए और शाम के वक्त ये टेंपल तो और भी बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर जब लाइटिंग शुरू हो जाती है। नटराज टेंपल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे वीडियो में मैंने आज कोशिश किया कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ और जब आप यहाँ पर विजिट करने आएंगे तो कैसे मंदिर में आ सकते हैं और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। और आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। हम फिर मिलेंगे दोबारा जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, मिलते हैं।